आप देख रहे हैं अमेज नाउ। दोस्तों, जिस तरह से एक बछड़ा हजारों गायों के बीच से अपनी मां को ढूंढ निकालता है, ठीक वैसे ही कर्मा करोड़ों लोगों के बीच से अपने कर्ता को पहचान ही लेता है, ढूंढ लेता है। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं अमेज नाउ की खास पेशकश एस्ट्रो वर्ल्ड नाउ। जैसा कि हम लोग हर बार आचार्य मनीष मोहन जी के साथ बैठते हैं, बहुत सारी विषयों पर बातचीत करते हैं। आज खास तौर से चंद्रमा ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है केंद्रम योग। केंद्रम योग क्या है यह बताएंगे आचार्य मनीष मोहन जी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे जातक होते हैं जो कहते हैं कि हमारी कुंडली अच्छी बनी हुई है, पंडित जी ने बताया है कि कुंडली बहुत अच्छी बनी है और आपका भाग्यफल आपको साथ देगा, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है। तो आखिर क्यों नहीं मिलती है सफलता, यह बताएंगे आचार्य मनीष मोहन जी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नवमंडल में ग्रहों की स्थिति, फिर साप्ताहिक तीज त्यौहार, राशिफल और इस बीच में कॉलर्स की समस्याएं, उनका समुचित निदान। तो आइए मुखातिब होते हैं आचार्य मनीष मोहन जी की। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आचार्य मनीष मोहन जी, हमारे दर्शक आपके साथ हैं। ओम गंगणपतये नमः। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार बहुत ही सुंदर तरीके से बीता, सभी लोगों ने बड़ी ही खुशियों के साथ इस त्यौहार को मनाया और अब बारी है छठ पूजा की। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि बिहार प्रांत से निकला यह छठ व्रत, छठ पूजा धार्मिक अनुष्ठान, और इस समय हैरानी की बात है कि यह सिर्फ पूरे उत्तर भारत ही नहीं, पूरे भारतवर्ष और यहाँ तक कि विदेशों में भी इसकी महक गूंज चुकी है। तो अब हम शुरू करते हैं। आज सबसे पहले आचार्य जी से कहेंगे नवमंडल में ग्रहों की स्थिति के बारे में बताएं। 8 नवंबर से 14 नवंबर के बीच ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। सूर्य मंगल बुध तुला में, केतु वृश्चिक में, शुक्र धनु में, शनि मकर में, बृहस्पति कुंभ में, राहु वृष में। सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा वृश्चिक राशि में शुरुआत करेंगे। तीज त्योहारों के बारे में भी बात करें। जी, छठ का पर्व का त्यौहार शुरू हो चुका है। 10 तारीख को सायं का अर्ध रहेगा, 11 तारीख को प्रातः का अर्ध छठ माता का रहेगा और पारण का भी दिन रहेगा। 13 तारीख को अक्षय नवमी मनाया जाएगा, जहां आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने का विधान है। अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। किया गया दान, किया गया जप, किया गया दान अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है। जी, साप्ताहिक राशिफल पर चलने से पहले एक कॉलर है संत कबीर नगर से, पूजा पांडे। सुबह में 6:30 की इनकी पैदाइश है जी, और 9 अक्टूबर 1992 जन्मतिथि है। 9 अक्टूबर 1992 सुबह 6:30 संत कबीर नगर बताया आपने जी। इनका सवाल, 4 छोटे-छोटे सवाल हैं सर जी आचार्य जी। जी, इनका ये है कि विदेश में शादी का योग है या नहीं जी, फिर विदेश जाने का योग है कि नहीं जी, और शादी का भी योग है कि नहीं, ये भी ये जानना चाहते हैं। पूजा जी, जैसा कि आपने बताया आपका डेट ऑफ बर्थ है 9 अक्टूबर 1992 सुबह 6:30 संत कबीर नगर। आपका लग्न करने आया, राशि आपकी कुंभारी है, नक्षत्र पूर्वाभाद पद पहले चरण में जन्म हुआ है। वर्तमान महादशा शनि की और अंतदशा राहु का 14 जनवरी 2023 तक। आपने क्वेश्चन किया विदेश जाने का योग है, बिल्कुल है। आप 14 नवंबर के बाद विदेश यात्रा के लिए प्रयास करें, शादी का योग भी विदेश में बन सकता है, नया व्यापार भी आपका जल्दी शुरू होगा 14 नवंबर के बाद से, किंतु जीवन में धैर्य और संयम आवश्यक है। अति महत्वाकांक्षी इंसान है, किंतु अच्छी बात है, धैर्य आवश्यक है। विदेश में शादी का भी योग है। ज्योतिष उपाय में आपको पन्ना और उपल पहनने की सलाह दी जाती है, साथ में बृहस्पतिवार का व्रत कथा भी आप सुन सकते हैं। हरि कृपा जी। चलते हैं साप्ताहिक राशिफल की ओर जी। मेष, किसी मित्र का आगमन हो सकता है, कार्य क्षेत्र में सुधार का योग, शैक्षिक कार्यों के यात्रा पर जा सकते हैं, विकास से धन प्राप्ति का योग, परिवार का साथ मिलेगा। व्यर्थ के वाद विवाद से बचें,
नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, किसी मित्र से वाद विवाद से बचें, आय की कमी खर्च की अधिकता रहेगी। मिथुन, अति आत्मविश्वास से बचें, परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा में जा सकते हैं, माता पिता से धन लाभ के योग, संयम से रहें, धैर्यशीलता में कार्य में कमी। जी, एक कॉलर है धर्मेंद्र नाथ शुक्ला जी, ये गोरखपुर से हैं, गोरखपुर की इनकी पैदाइश है जी। दिन में 12 बजे के आसपास, दोपहर 12 बजे का इन्होंने बताया है जी, और 15 नवंबर 1970 समय 12 बजे दिन दोपहर 12 बजे को 12 बजे जन्म स्थान गोरखपुर। ये सेहत, परिवार और व्यापार, ये तीन इनके मुख्य सवाल हैं। श्री धर्मेंद्र जी, आपका जन्म तिथि 15 नवंबर 1970 दोपहर 12 बजे, लग्न आपका आया मकर, राशि आपकी आई वृष, दशा आपका आया शनि में सूर्य, 18 जून 22 तक। सेहत और थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान रखें, मूत्र संबंधी रोगों से सावधानी, उदर रोगों से सावधानी, यह 18 जून 22 तक थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। परिवार में सामंजस्य बना कर रहे, व्यापार आपका अगले साल 22 जनवरी के बाद समय आपका व्यापार के लिए ठीक रहेगा। ज्योतिष उपाय में एक बढ़िया सा ओपल 10 से 12 रत्ती का दाएं हाथ के तर्जनी में दिन शुक्रवार को चांदी में अंगूठी बनवा करके आप धारण करें। हरि कृपा जी। चलते हैं तब तक शेष राशिफल की ओर जी। कर्क, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, भूमि संपत्ति के कार्यों में लाभ, नौकरी परीक्षा आदि कार्यों में सुखद परिणाम मिलेंगे, आलस्य की अधिकता रहेगी, स्वास्थ्य में आंखों के रोगों से सावधानी। सिंह, भवन के रख रखाव में तथा साज सज्जा में खर्च होंगे, घर परिवार में धार्मिक कार्यों में खर्च कर सकते हैं, किसी मित्र से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। कन्या, नौकरी में स्थान परिवर्तन का योग है, पिता का साथ मिलेगा, परिवार से अलग रहना पड़ सकता है, आत्मविश्वास में कमी। एक कॉलर है, उनको भी सुन लेते हैं क्योंकि ये हैदराबाद से हैं, ऋषभ जी। इनको जो है ये 26 मार्च 1993 सुबह 2:30 रात्रि जी, पैदाइश है गोंडा जनपद का है। ऋषभ जी, आपका जन्म तिथि है 26 मार्च 1993 रात्रि यानी भोर में 2:33 जन्म स्थान गोंडा, मकर लग्न है आपका, राशि आपकी मेष है, अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ है, चंद्रमा आपका शुरुआत है 11 फरवरी 31 तक। आप निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी के योग हैं, प्रयास करें, अभी आपको प्राइवेट जॉब मिल सकती है, 3 दिसंबर के बाद आपके प्राइवेट जॉब मिलने का योग है, थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। ज्योतिष उपाय में एक पन्ना रत्न चांदी में बनवा करके 6 से 7 रत्न का दिन बुधवार के दिन कनिष्ठिका में धारण करें। हरि कृपा जी। चलते हैं शेष जातकों के राशिफल की ओर जी। तुला, आशा निराशा के भाव उत्पन्न हो सकते हैं, धार्मिक संगीत में रुचि होगी, परिवार का साथ मिलेगा, नौकरी में अधिकार क्षेत्र में विस्तार, माता के सेहत पर थोड़ा ध्यान रखें। वृश्चिक वालों के समय ठीक हो गया है, तुम्हारे लोगों के लिए विवाह के योग बनेंगे, व्यापार नौकरी में विस्तार का योग, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, धन के योग बनेंगे, रुके हुए कार्य बनने के योग। धनु, विदेश यात्रा के योग, नौकरी में दूसरे स्थान में स्थान परिवर्तन का भी योग है, स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, खर्चों की अधिकता रहेगी, कार्य क्षेत्र में सावधानी से रहें जी। एक कॉलर है सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी, और ये गोरखपुर से इनकी पैदाइश है, सुबह 7:12 और 28 अप्रैल 1984
दर्ज का है 28 अप्रैल 1984 सुबह 7:12 गोरखपुर। इनको सेहत कैरियर और सेहत की चिंता। सिद्धार्थ जी आपका लगन वृक्ष आया, दासी आपकी मीन आ रही है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, चरण द्वितीय है, वर्तमान महादशा शुक्र में सूर्य में राहु 14-12-21 तक, थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, आलस्य से बचें, तनाव भी हो सकता है। निश्चित तौर पे 14 दिसंबर के बाद समय आपका अच्छा आ रहा है। ज्योतिष सलाह में पन्ना और ओपल धारण करें। अभी आपको निश्चित तौर पे 14-12-21 के बाद लाभ के योग बने हैं जी। हरी कृपा। फिर से राशिफल, जो शेष राशिफल बचे हैं जातकों के, उसकी बात कर लेते हैं। मकर, मन में उतार चढ़ाव रहेगा, पठन पाठन में रुचि होगी, आय में वृद्धि के योग, परिवार का साथ मिलेगा, कारोबार में विस्तार का योग है, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। कुंभ, मन में निराशा असंतोष बढ़ रहा है, संयम से रहें, व्यापार में विस्तार का योग, सप्ताह के अंत में धार्मिक कार्यों में भाग लेंगे, उदर रोगों से सावधानी। मीन, पिता के आर्थिक सहयोग से धन लाभ के योग, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, यात्रा के योग, नए वाहन का भी योग है, शैक्षिक कार्यों में धन लाभ की स्थिति, हरी कृपा। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि इंद्रम योग के बारे में बात करना है, तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यह बताएं कि केंद्रम योग है क्या। केंद्रम योग चंद्रमा से बनता है जी। जब भी लगन से केंद्र में द्वितीय और द्वादश चंद्रमा के अगल बगल कोई ग्रह ना हो तो केंद्रम योग का निर्माण होता है। ऐसे जातक की कुंडली में सारे अच्छे योग होते हुए भी वह योग्य शून्य हो जाता है। कई जातक बोलते हैं, पंडित जी, ज्योतिषी जी, मेरे कुंडली में अच्छे भाव हैं, योग अच्छे हैं, किंतु मेरा कुछ भला नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पे केंद्रम योग का वहाँ ध्यान दें, उसका निराकरण करवाएं। अच्छा, उसका उपाय है? बिल्कुल है, उपाय है। केंद्रम योग से व्यक्ति दग्धता, धन व्यय, मानसिक अशांति, मानसिक रोग सारे केंद्रम योग से होते हैं। केंद्रम योग में चंद्रमा में अगर कोई शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो, बृहस्पति का प्रभाव ना हो, तो केंद्रम योग और भी कष्टकारक हो जाता है जी। केंद्रम योग से बचने के उपाय यह जरूरी है। आप केंद्रम योग निगेटिविटी होने से माता की भी न्यूनता होती है, माता सुख से वंचित होना पड़ सकता है। सबसे अच्छा उपाय है इसका, माता का सदैव ध्यान रखें, उनका आशीर्वाद सदैव ले करके निकलें। सोमवार को दूध चावल शक्कर का आप शिवलिंग पे चढ़ाएं, रुद्राभिषेक कराएं, श्वेत वस्तुओं का दान भी दे सकते हैं। ओम नमः शिवाय प्रत्येक सोमवार आप 108 बार पढ़ के श्वेत वस्तुओं से शिव जी पे अभिषेक करें, बहुत लाभ होगा। आप अपने लगन के अनुसार अगर आपका कर्क वृश्चिक या मीन लगन हो तो आप मूर्ति धारण कर सकते हैं जी। बहुत अच्छी बात और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिया आपने, क्योंकि सब कुछ सही बात है कि बहुत ध्यान आदमी नहीं देता है। योग में सारे अक्षग्रह होते हुए भी दूसरे व्यक्ति हो सकता है जी, प्रभावहीन हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण। चंद्रमा मन तो जाए, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, मन से भी व्यक्ति अशांत रहता है जी। इसलिए दोस्तों सबसे पहले तो जरूरी यह है कि आप अपनी कुंडली को देखें, दिखवाएं किसी योगी व्यक्ति से, और यह जानने की कोशिश करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्रमा के अगल बगल का जो खाना है वो खाली है, और अगर खाली नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, फिर कोई परेशानी की बात नहीं, वरना केंद्रम योग का निर्माण हो रहा है और फिर उसके जो उपाय करना अच्छा जो आपने बताया है वो उपाय किया जाए। तो बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण गहन जानकारी दिया आपने, एक बार फिर आपका आभार, धन्यवाद। ओम गणपतय नमः। छठ पर्व को आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय छठ माता। तो ये थे आचार्य मनीष मोहन जी, हम उनके बहुत आभारी हैं जो हमें हर सप्ताह बड़े ही नियमित तौर पर और अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताते हैं, गूढ़ बातें बताते हैं। आज उन्होंने
केंद्रम योग पर बात किया जो चंद्रमा से मिलकर बना होता है और उसके निदान पर भी बात की गई। काल का भी क्या उस पर आघात हो जिस बंदे पर महाकाल का हाथ हो। तो आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है। आज के ही दिन अगले सप्ताह इसी समय फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज़ नाउ।